व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। गर्मी के मौसम में आम का अचार बनाना तो बहुत ज़रूरी एक प्रोसेस है। मेरे घर पे तो हर साल कई किस्म के आम के अचार बनते हैं, और पिछले साल मैंने आपके साथ मेरे घर की पंजाबी अचार की रेसिपी शेयर की थी, सौंफ वाला आम का अचार, जो मुझे बहुत पसंद है। ऐसी और एक अचार है जो मुझे बहुत पसंद आता है खाने का, और स्पेशली थेपले के साथ खाने में बहुत मज़ा आता है, वो आम का छुंदा। तो आम का छुंदा बना रहा हूँ आज, जैसे मेरे घर पे बनता है, और इंग्रेडिएंट्स भी एकदम मिनिमल लगते हैं, और प्रोसेस भी इसका जो है वो एकदम सिंप्लीफाई तरीके से मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही में अगर आपको इसको इंस्टेंट तरीके से पकाना है, अगर आपको 8-10 दिन तक इसको धूप लगाकर नहीं पकाना है, तो वो भी कैसे प्रोसेस है इस वीडियो के एंड में वो भी आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले आम का छुंदा बनाने के लिए कौन सी केरी यूज़ करनी है, इसकी तैयारी कैसे करनी है वो देख लेते हैं। छुंदा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने तोतापुरी आम की केरी ली है। 1 किलो केरी का छुंदा बना रहा हूँ। अब केरी को आपको अच्छे से धो लेना है, अच्छे से पोंछ लेना और अच्छे से सुखा लेना है इसको यूज़ करने से पहले। एक बार आपने ये प्रोसेस कर लिया है तो केरी को अभी एक पीलर की मदद से अच्छे से छील लीजिए। एक बार स्किन को आपने अच्छे से उतार लिया है, उसके बाद आपको इसे ग्रेट करना है। ग्रेट करने के लिए आप एक ग्रेटर ले लीजिए जिसमें बड़े बड़े होल्स हैं, इस तरीके के बड़े होल्स वाले ग्रेटर में ही ग्रेट करना है। अच्छे से इस केरी को किस लीजिए, ध्यान दीजिए कि गुठली को नहीं किसना है साथ में। अगर सॉफ्ट है गुठली तो उसको निकाल लीजिए, अगर कड़क गुठली है तो गुठली के अलावा सारी केरी को अच्छे से ग्रेट कर लीजिए। ग्रेट करने के बाद आप देख सकते हैं कि इस तरीके के केरी के लच्छे मिल जाएंगे आपको। ऐसे ही लच्छे आपको तैयार करने छुंदा बनाने के लिए, ये टेक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बार आपने केरी को अच्छे से ग्रेट कर लिया है तो इसे एक साफ बर्तन के अंदर ट्रांसफर करना है। एक कांच या स्टेनलेस स्टील का बर्तन ले लीजिए, ये परफेक्ट होते हैं छुंदा बनाने के लिए। एक बार सारी केरी को आपने ट्रांसफर कर लिया है बोल में, तो इसके अंदर आपको 1 टेबलस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालना है। ये दोनों चीज़ें डालकर आपको भी अच्छे से केरी को मिलाना है नमक और हल्दी के साथ। साफ हाथों से अच्छे से मिला लीजिए, ध्यान दीजिए आपके हाथ एकदम साफ होना चाहिए। एक बार आपने सारी केरी को अच्छे से मिक्स कर लिया है हल्दी और नमक के साथ, अब इसके अंदर हमें शक्कर ऐड करनी है। यहाँ पर मैंने 1 किलो पिसी हुई शक्कर ली और इसे अच्छे से छान लिया है ताकि इसमें से गुठलियाँ निकल जाएँ। अब 3 से 4 बैचेस में ग्रेजुअली शक्कर को केरी में मिक्स करना है आपको। एक बैच लीजिए, छोटा सा ऐड कीजिए, अच्छे से उसको मिक्स कीजिए साफ हाथों से। एक बार सारी शक्कर मिल जाएगी तो दूसरा बैच ऐड करना है। एक साथ सारी शक्कर ऐड कर देंगे तो ये इजीली मिक्स नहीं होती, और कई बार क्या है शक्कर की गुठलियाँ बन जाती हैं। उसे अवॉइड करने के लिए ऐसे 3-4 बैचेस में शक्कर को डालकर तब तक मिलाइए जब तक शक्कर अच्छे से घुल मिल नहीं जाती है केरी के साथ। तो भी आप देख सकते हो शक्कर एकदम मिल चुकी है, पाउडर शक्कर यूज़ की इसलिए इजीली एकदम मेल्ट भी हो चुकी है। एक बार ये स्टेज पे आपने अच्छे से मिक्स कर लिया है, इस बोल को या बर्तन को आपको ढक लेना है। ढकने के लिए यहाँ पर एक साफ मलमल का कपड़ा ले रहा हूँ, बोल के ऊपर कपड़ा डालिए और एक रस्सी की मदद से अच्छे से टाइट बांध लीजिए। ध्यान दीजिए कि एकदम आपको टाइट बांधना है। एक बार ऐसे आपने एक सेटअप तैयार कर लिया है तो भी आपका जो छुंदा है वो पकाने के लिए तैयार हो गया है। तो मेजर तो छुंदा का जो हमने तैयारी वाला काम था वो हो गया है, अभी इसको पकाने वाला जो काम है वो पेंडिंग है। अब छुंदा बनाने के लिए आज मैंने तोतापुरी आम की केरी यूज़ की है। अब लाड़वा और राजापुरी आम की केरी भी यूज़ की जाती है। मेरे घर पे तो यूजुअली लाड़वा आम ही यूज़ किया जाता है, बट वो थोड़ी सी लेट मिलती है, जल्दी आपको तोतापुरी मिल जाएगी इसलिए मैंने तोतापुरी यूज़ की है। अगर लाड़वा आम और राजापुरी यूज़ कर रहे हैं तो शक्कर जो है आपको 1250 ग्राम यूज़ करनी है, यानी कि 250 ग्राम ज़्यादा यूज़ करनी है, क्योंकि केरी हल्की सी खट्टी होती है तो उसको बैलेंस करने के लिए शक्कर हल्की सी ज़्यादा लगती है। बस यही डिफरेंस है, बाकी पूरा प्रोसेस एग्जैक्टली सेम रहेगा। तो ये 3 टाइप की केरी आप यूज़ कर सकते हैं और छुंदा बना सकते हैं, एकदम परफेक्ट बनेगा। अब छुंदा बनाते समय कुछ चीज़ों का ध्यान देना है, हाथ एकदम साफ होने चाहिए, गीले नहीं होने चाहिए, बर्तन सूखा होना चाहिए, केरी को भी अच्छे से धोकर पोंछ लीजिए। साफ सफाई में अचार बनाना है तो आपका अचार जो है खराब नहीं होएगा, एकदम परफेक्ट बनेगा, इस चीज़ का ध्यान दीजिए। अब इस टाइप का आपने एक सेटअप बना लिया, मैंने तो कांच के बोल में बनाया है, आप स्टेनलेस स्टील के बर्तन में भी इजीली बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 1 किलो से ज़्यादा बनाना है तो इस रेसिपी को 2, 3, 4, 5 किलो का सीधा मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको 1 किलो की रेसिपी आज बताई है। अब इस अचार को हम धूप में पकाएंगे। धूप में पकाना कैसे है, लगभग 6 से 10 दिन लग जाते हैं छुंदा को एकदम मैच्योर होने में, तैयार होने में। इसका प्रोसेस ऐसा है कि अगर समझो आज हमने छुंदे की तैयारी कर ली इस तरीके से, तो एक रात के लिए आपको छुंदा को अपने किचन में ही छोड़ देना,
जैसे ही एक रात के लिए आपने इसको किचन में छोड़ दिया, अगले दिन सुबह इसको आपको धूप लगाना है। धूप लगाना है यानी आपको ये छुंदा उठाना है, बाहर लेके जाना है, बाहर लेके जाकर एकदम कड़कती हुई धूप में रख देना है, और जब तक कड़कती धूप रहती है, जैसे 3-4 बजे तक धूप रहती है, तब तक छुंदा को बाहर धूप में ही रहने दीजिए। क्या होगा, शक्कर जो है वो मेल्ट होगी, पकना शुरू हो जाएगी हीट की वजह से। एक बार धूप निकल गई तो छुंदा को अंदर ले आइए। अंदर लाने के बाद आपको एक साफ चम्मच से इसको मिक्स करना है। तो ऐसे कपड़ा खोल लीजिए, एक साफ चम्मच लीजिए, साफ चम्मच से इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। क्या होता है, शक्कर नीचे बैठ जाती है तो उसको मिक्स करना पड़ता है। और आप देख सकते हैं इसका जो भी टेक्सचर है एकदम पतला पतला है, शक्कर जो है एकदम पतली सी चाशनी बनी हुई है। ये चाशनी को हमको थिक होने तक पकाना है। तो लगभग 6-10 दिन लगते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी धूप के कितनी धूप निकल रही है। और आपको तब तक इसको बाहर रखना है जब तक कि आप चाशनी को चेक करेंगे ये एक तार की चाशनी नहीं बन जाती है। तो मैंने क्या किया है, मैंने 8-9 दिन लगभग धूप लगाकर रखा हुआ है अचार को। तो मैं आपको बता देता हूँ कि छुंदा 8-10 दिन के बाद कैसा दिखना चाहिए और इसका टेक्सचर कैसा होना चाहिए। तो अभी चेक कर लेते हैं छुंदा को। कपड़ा आप निकाल दीजिए और अब आप देख सकते हो छुंदा जो है उसकी शक्ल जो है एकदम कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है, कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है और ये काफ़ी थिक हो चुका है। और इसकी जो चाशनी है वो आप देख सकते हो ऐसे लगभग एक तार की चाशनी बन गई है। इस तरीके से जो शुगर सिरप है इसकी जो चाशनी है ये थिक हो जानी चाहिए और आपका जो अचार है बहुत अच्छे से पक चुका है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं और फाइनल हमारा फिर छुंदा रेडी हो जाएगा कंज्यूम करने के लिए। तो मसाले क्या ऐड करने हैं वो देख लेते हैं। अब इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून जीरा का पाउडर और 1 चुटकी गरम मसाला मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। ये सारे मसाले ऐड करके अच्छे से एक साफ स्पून से इसको मिक्स कर लीजिए। सारे मसाले जो हैं वो आम के छुंदे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। तो आप देख सकते हो मसाले एकदम मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अभी इसे क्या करना है, एक लास्ट प्रोसेस बचा है, फिर से इसको कपड़ा लगा दीजिए, अच्छे से बांध दीजिए और बस 2 घंटे के लिए रख दीजिए धूप के अंदर और फिर आप इस छुंदे को कंज्यूम कर सकते हैं। अब मैंने जो मसाले यूज़ किए हैं, हर घर की अपनी अपनी रेसिपी होती है। कोई लौंग दालचीनी का पाउडर डालते हैं, जैसे मेरे घर पे 1 चुटकी गरम मसाला डाल देते हैं उसके बदले में। तो अगर आपके घर में कुछ वो वाले मसाले आगे पीछे हैं तो कोई गलत नहीं है, हर घर की अपनी रेसिपी होती है। तो अभी 2 घंटे की और जो धूप लगानी थी वो भी लगा दी है। 8-10 दिन हो चुके हैं इस छुंदे को पकते हुए। आई कांट वेट टू ट्राई इट। इसको भी बॉटल में स्टोर कैसे करना है और कितने समय तक रहता है वो कैसे प्रोसेस करना होता है वो देख लेते हैं। तो एकदम साफ कांच की बर्नी ले लीजिए जो एयर टाइट हो। अगर आपको इसको साफ करना है तो गर्म पानी में डालकर भी इसको निकाल कर सुखा सकते हैं कि स्टेरिलाइज हो जाए। उसके बाद छुंदा आपको इसके अंदर भरना है। एकदम साफ चम्मच यूज कीजिए, सूखे हाथ, सूखी बर्नी, सूखा चम्मच, पानी नहीं होना चाहिए। अच्छे से छुंदे को इस बर्नी में भर दीजिए और एयर टाइट करके आपको इसको रख देना है। फ्रिज में नहीं रखना है, भारी रखना है। 1-1.5 साल आराम तक चल जाता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। तो टेंशन मत लीजिए, बड़ा बैच भी बना सकते हैं अगर ज़्यादा कंज्यूम होता है आपके घर पे तो, और पराठे के साथ, थेपले के साथ, अलग अलग चीज़ों के साथ खा सकते हैं। अब मैं टेस्ट करके देखने वाला हूँ। आज मैं थोड़े थेपले बना के रखे हैं तो थेपले के साथ टेस्ट करके देखते हैं कि छुंदा हमारा कैसे बना है। बहुत ही मज़ा आया मेरे को। 8-10 दिन रुकना ज़रूर पड़ता है लेकिन छुंदा जो है बहुत ही अमेजिंग बना है, बहुत ही डिलिशियस बना है। अब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको 8-10 दिन रुकना नहीं और इंस्टेंटली बनाना है तो क्या तरीका है। तो बहुत आसान है, आपने एक बार जो बर्तन में सारी चीज़ें मिक्स कर ली, शक्कर वक्कर मिक्स कर ली, उसके बाद क्या करना है, एक कढ़ाई ले लीजिए, कढ़ाई में मिक्सचर ऐड कर दीजिए और इसको एकदम लो फ्लेम पर, एकदम मंद आंच, बिल्कुल भी तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए, एकदम मंद आंच पे इसको पकाना है, धीरे धीरे से स्टर करते हुए जब तक कि जो चाशनी हो एक तार की नहीं हो जाती है। एक बार एक तार की चाशनी हो गई उस गैस बंद कर दो, मसाले डाल दो, मिक्स कर लो, ठंडा होने दो, बॉटल कर लो और यूज़ कर सकते हैं। अब फ़र्क क्या होता है, जो स्लो प्रोसेस है धूप वाला उसमें बहुत ही बढ़िया छुंदा बनता है। थोड़ा सा फ़र्क तो ज़रूर हो जाएगा इंस्टेंट तरीके से कर रहे हो तो, लेकिन वो भी छुंदा अच्छा बनता है। तो मैं रेकमेंड करूँगा, छोटा बैच बनाना है एकदम फटाफट से खाने के लिए तो गैस बना लो, और अगर साल भर टिकाने के लिए बनाना है तो आप
धूप वाला मेथड यूज करो, एकदम परफेक्ट चूंदा बनता है। जरूर ट्राई करो मेरी ये रेसिपी इस गर्मी के सीजन में, और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि ये रेसिपी कैसे बनी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस आम के अचार की रेसिपी एट योर होम दिस समर्स। चीयर्स।